एसएससी किरण 10,500 प्लस से हम ज्योमेट्री करा रहे हैं टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60 नंबर क्वेश्चन, 59 तक हम करा चुके हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल 10+2 टीयर 1 सीबीई परीक्षा 10/8/2017 को तृतीय पाली में दी गई आकृति में। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन और उसमें आकृति भी दी गई है। एक छोटा वृत्त एक बड़े वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श कर रहा है तथा उसके केंद्र ओ से होकर गुजरता है। PR एक जीवा है जिसकी लंबाई 34 सेंटीमीटर है, तो PS की लंबाई सेंटीमीटर में क्या है। ये आपका इस प्रकार से ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 9, दूसरा ऑप्शन 17, तीसरा ऑप्शन 21, चौथा ऑप्शन 25 है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी है, इसमें कुछ नहीं आपको करना है। आप जानते हैं क्वेश्चन के अनुसार आपको देखिए PR कितना दिया है 34 सेंटीमीटर, ये PR कितना है 34 सेंटीमीटर, तो PS की लंबाई, ये लंबाई आपसे पूछ रहा है कितना होगा। जो सबसे पहले तो ये आपका वृत्त की त्रिज्या है, बड़ा वृत्त के लिए त्रिज्या है, ये भी आपका त्रिज्या है। दैट मींस कहने का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं OP बराबर OQ है, OP बराबर OQ है, ये किससे है, तो बड़ा वृत्त का क्या है, दोनों बड़ा वृत्त का क्या है, त्रिज्या है। सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए क्या करना है, बायसिमेट्री, अगर जो सिमेट्री यहाँ पर हम देखते हैं यानी कि हिंदी में उसे बोलते हैं सममित से, यानी कि सममित का यूज हम अगर जो करेंगे तो आपको क्लियरली दिखना चाहिए कि ये भी आपका PS बराबर क्या हो जाएगा SR, PS बराबर SR इस प्रकार से हो जाएगा। और यहां पर आपको टोटल PR दिया है क्वेश्चन में, PR कितना दिया है 34 सेंटीमीटर, तो PR 34 दिया है, तो दोनों ये सिमेट्री से दोनों बराबर होगा। डेट मींस करने का मतलब इस प्रकार से, तो ये 17-17 हो जाएगा, यानी कि आपके प्रश्न का आंसर 17 हो जाएगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं PS बराबर 34/2 तो 17 सेंटीमीटर सिमेट्री का यूज करके, जो ऑप्शन नंबर कितना दिया है 2 नंबर ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर देखिए 61, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल 10+2 टीयर 1 सीबीई परीक्षा 10/8/2017 को तृतीय पाली में। आपको इस प्रकार से आकृति दिया गया है, देख सकते हैं स्क्रीन पर, जिसमें ए बी सी आपका त्रिभुज है, जिसमें ए बी 10 दिया है, ए सी 6 दिया है, शीर्ष लंब ए ई 4 दिया है, ए डी वृत्त का व्यास है, तो वृत्त की त्रिज्या बताना है, तो ओ ए या ओ डी वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब देखिए दोनों त्रिभुज इस प्रकार से, जैसे ए त्रिभुज में ए बी डी मतलब त्रिभुज ए बी डी, और दूसरा त्रिभुज अगर जो ये देखते हैं मतलब ए ई सी, त्रिभुज ए ई सी दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, तो समरूप है तो कैसे समरूप है, एंगल एंगल समरूपता से, ये एंगल एंगल समरूपता से ये आपका समरूप है। कारण भी बता देते हैं, देखिए ये आपका ये वाला कोण सेम होगा और ये वाला कोण सेम होगा ए बी चाप के कारण। उसके बाद 90 डिग्री, बड़ा वाला ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है और छोटा वाला ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो इस प्रकार से ये आपका समरूप हो गया। अब यहाँ पर यूज करना है सिमिलरिटी का कंसेप्ट, जैसे जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, इसका यूज करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हम AD लेते हैं, AD तो बटा में यहाँ क्या लिखेंगे AC, AD बटा AC इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद अब अगर जो हम यहाँ पर क्यों ये लिए ये भी पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है क्या AB दिया है, तो अब की बार हम AB ले रहे हैं, पहले AB बटा यहाँ AB लेंगे तो यहाँ पर क्या लेना होगा AE लेना होगा, इस प्रकार से AB यहाँ पर लिए तो यहाँ पर AE हो गया। शुरुआत में हम लिए थे AD तो इसके साथ क्या लेना होता AC, अब यहाँ पर AD आपको दिया है कितना दिया है देखिए A और B कहाँ है यहाँ है, AD आपका क्या हो गया डेट मींस कहने का मतलब R प्लस R या ऐसे ही रहने देते हैं AD हम, और AC AC आपको दिया गया है क्वेश्चन में 6, AB AB कितना दिया गया है AB 10 दिया गया है, AE AE कितना दिया गया है 4 दिया गया है, तो इसे हल कर देंगे इस प्रकार से 5 × 2 = 10, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो 5 × 3 = 15, AD आपका हो गया 15। AD कहने का मतलब इससे बोलते हैं व्यास, यानी कि AD आपका व्यास है तो व्यास 15 हो गया, तो हमें त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या कितना होगा 15 का आधा, दैट मींस हम बोल सकते हैं 7.5 सेंटीमीटर, और 7.5 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन होगा देखिए ये ऑप्शन नंबर आपका 2 नंबर ऑप्शन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 के बाद 62 क्वेश्चन नंबर देखिए 62, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 62 नंबर क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1 सीबीई परीक्षा 11/8/2017 को। आपके क्वेश्चन दिख रहे होंगे स्क्रीन पर भी, दी गई आकृति में दिए गए वृत्त की चाप बीसी की लंबाई 44 सेंटीमीटर है। यहाँ पर से क्लियरली दिखना चाहिए, ये आपको आकृति क्वेश्चन पर मतलब
स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जहां पर देखिए बीसी आपका क्या है, ये आपका चाप है। तो बीसी चाप की लंबाई कितना क्वेश्चंस में दिया है, चाप की लंबाई क्वेश्चंस में दे दिया है 44 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चंस देखिए क्या बोल रहा है, यदि ओ वृत्त का केंद्र है तो वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या होगी। ओ वृत्त का केंद्र है तो वृत्त की त्रिज्या, यही आपकी वृत्त की त्रिज्या होगी ओसी, यानी कि ओसी आपको निकालना है। तो चाप की लंबाई का एक फॉर्मूला होता है, 10th क्लास के क्षेत्रमिति में आप पढ़े होंगे, चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। थीटा यहां पर कितना है, 90 डिग्री है। दैट मींस कहने का मतलब चाप की लंबाई यानी कि बीसी आपका, इस प्रकार से चाप की लंबाई को दिखाते हैं, यानी कि बीसी है जो चाप की लंबाई कितना दिया है 44 सेंटीमीटर। तो ये लिख देंगे अगला स्टेप में, यहां पर इस प्रकार से हम इसके जगह पर 44 लिख सकते हैं, बराबर थीटा की जगह पर 90 बटा 360 गुना 2 पाई आर के जगह पर हम कितना लिखेंगे, पाई का मान तो 22/7, आर निकालना है तो आर को आर ही रहने दिए, ये कितना हो जाएगा 1/4, और ये इस प्रकार से 2 × 4 = 2 से 11 × 22, यानी कि कितना हो गया 11 × r/7, और ये भी कैंसिल हो जाएगा 11 × 4 = 44। तो 4 × 7 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यानी कि 28 सेंटीमीटर आ रहा है। और देखिए 28 कौन सा ऑप्शन है, ये आपको ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 62 के बाद 63, क्वेश्चन नंबर देखिए 63। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, दी गई आकृति में एबी बराबर 30 सेंटीमीटर तथा सीडी बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो एमएन का मान सेंटीमीटर में बताइए। आपको आकृति दिख रहा होगा, इस प्रकार से आकृति दिया गया है, बस जिस प्रकार से आकृति आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसी प्रकार से हमने यहाँ पर ड्रा किया है। आगे क्वेश्चन में लिखा है सिर्फ आपको एमएन का मान बताना है सेंटीमीटर में। एसएससी सीजीएल टीयर 2 सीबीई परीक्षा 17/2/2018, मतलब एसएससी सीजीएल मेंस परीक्षा 17 फरवरी 2018 का एक क्वेश्चन है। सीजीएल मेंस का एग्जाम अभी होने ही वाला है, तो सीजीएल एग्जाम वाले सभी जो भी स्टूडेंट्स हैं, इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए, हम यहां पर आपको बताने जा रहे हैं। देखिए इसका बहुत ही बेस्ट सोल्यूशन देने जा रहे हैं, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर सेंटर को हम इस प्रकार से ओ यहाँ पर हमने लिख दिया, और आप जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे क्या करता है, समद्विभाजित करता है। सीडी आपका कितना दिया है 24, तो सीडी 24 दिया है तो ये 12/12 हो जाएगा। कहने का मतलब यानी कि यहाँ पर कोई भी नाम हम दे देते हैं लंब के नाम, मान लीजिए कि यहाँ पर नाम हमने दे दिया क्यू, यहाँ पर हमने नाम दे दिया क्यू, तो सी क्यू 12 और क्यू डी भी 12 होगा। क्यों होगा, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो सीडी जीवा है तो सीडी जीवा की लंबाई 24 है, तो ये आपका 12/12 हो गया। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हैं अगर जो बेसिक से समझना चाहें तो इस प्रकार से कि ओडी ओक्यू हमने यहाँ पर लिखा है, ओक्यू लंब किस पर दिए हैं, ओक्यू लंब सीडी, ओक्यू लंब सीडी, तो इस कारण से आपका सीक्यू बराबर क्यू डी हो जाएगा, सीक्यू बराबर क्यू डी, और टोटल आपका सीडी दिया है क्वेश्चन में 24, मतलब दोनों कितना 12/12 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इसी प्रकार से एक कंसेप्ट और यहाँ पर, अब आपको एबी भी दिया है क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि ए, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ओ क्यू लंब पहले लिख देते हैं किस पर है, तो एबी पर भी लंब है, ओ क्यू लंब है एबी पर। अब इसके बाद ए क्यू बराबर हो जाएगा क्यू बी, ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा क्यू बी, कितना कितना, ए से क्यू की लंबाई हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और क्यू बी भी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल एबी 30 दिया है। That means कहने का मतलब यहां से यहां की लंबाई 15 सेंटीमीटर और यहां से यहां की लंबाई भी आपका 15 सेंटीमीटर, मतलब क्यू भी 15 और ए क्यू भी 15। अब ध्यान से देखिए, ये आप मिलाएंगे इस प्रकार से, ओ को सी से मिलाएंगे तो बहुत ज्यादा हम लिखेंगे तो लेंथी ज्यादा हो जाएगा, आपको कंसेप्ट समझना है। यहां पर क्या कर रहे हैं, ओ को सी से हम मिला रहे हैं इस प्रकार से, ओ को हमने सी से मिलाया, ये आप देख सकते हैं छोटा वृत्त का त्रिज्या है तो इसे हम स्मॉल r लिख देते हैं। अब इसे हम इस प्रकार से मिला रहे हैं ए से, यानी कि ओ को ए से मिलाने पर, तो इस प्रकार से हम यहां मिला देते हैं, ये आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा इस प्रकार से, ओ को हमने इस प्रकार से मिलाया और ये आपको दिख रहा है बड़ा वृत्त की त्रिज्या है, ये आपको हम थोड़ा नीचे लिख रहे हैं। यहां पर देखिए ध्यान से, ये आपको दिखना चाहिए क्या है, ओ ए ओ या ओ ए कैपिटल आर से लिख देते हैं, मतलब बड़ी वृत्त की त्रिज्या है। अब ध्यान से देखिए कि ओ क्यू दोनों त्रिभुज में कॉमन है, मतलब अगर जो त्रिभुज का हम नाम दें इस प्रकार से ए क्यू ओ, त्रिभुज ए क्यू ओ, इसमें आपको ध्यान से देखना है,
सबसे पहले हम छोटा त्रिभुज का यूज करते हैं, त्रिभुज AQO, ये तो बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, एंड एक छोटा त्रिभुज यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा जिसमें आपका लंब एक OQ ही है, इसका नाम हम देना चाहें तो इस प्रकार से दे सकते हैं CQO, त्रिभुज CQO, दोनों में ध्यान से देखना है। तो पहले बड़ा त्रिभुज में देखना है, तो बड़ा त्रिभुज में आप इस प्रकार से क्या लगाएंगे, ये तो 90 डिग्री है आपको समझ में आना चाहिए, और पाइथागोरस त्रिक का यूज करेंगे। क्या होता है पाइथागोरस त्रिक आपको समझ में आना चाहिए कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण है, कहने का मतलब आर स्क्वायर बराबर, ये आपको दिखना चाहिए क्लियरली कि ये कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस ये आपको कितना है दिखना चाहिए OQ, तो OQ का स्क्वायर। दैट मीन्स हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि OQ बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, और रूट अंडर में ये डायरेक्ट हम लिख सकते थे। उसी प्रकार से अब छोटा ट्रायंगल इसमें देखिए, ये आपका स्मॉल आर है मतलब CO या OC भी बोल सकते हैं। तो यहां देखिए कर्ण का स्क्वायर मतलब स्मॉल आर का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि आधार स्क्वायर पहले लिख देते हैं, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस ये OQ का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर आपको क्लियरली दिखना चाहिए, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं क्या OQ बराबर, OQ बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, और OQ का स्क्वायर था तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर इस प्रकार से हो जाएगा। अब OQ OQ दोनों सेम है, यहां पर भी देखना चाहिए OQ दोनों ट्रायंगल के लिए सेम है, तो LHS सेम है, एनी समीकरण एक मानिए, इसी समीकरण दो भी मान सकते हैं, LHS दोनों का समान है तो RHS भी समान होगा। दैट मींस कहने का मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब समीकरण 1 और 2 से हिंदी में आप इसे बोल सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं। समीकरण 1 और 2 से आपको देखना है, क्या देखना है कि LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा, यानी कि इस प्रकार से आर स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। दोनों तरफ रूट है तो रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए, रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं, तो यहां पर स्क्वायर करेंगे इस प्रकार से, तो स्क्वायर करेंगे तो आपको ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर बराबर स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर 225, स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो आप जानते हैं यहां पर हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ये प्लस आर स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में आर स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 225 उधर जाएगा तो प्लस 225, पहले से इधर माइनस 144 है, यानी कि 225 में से 144 घटाएंगे तो 81 आ जाएगा। अब यहां पर ध्यान से देखिए लास्ट स्टेप की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं, यहां पर अब इसका सोल्यूशन देंगे, थोड़ा सा और है, क्या करना है MN की लंबाई हमें निकालना है, ये M से N की लंबाई निकालना है, तो सबसे पहले ये केंद्र O से ये सामने वाली जो जीवा है क्या MN, इस पर हमने लंब दिया, और यहां पर हम आपको इस प्रकार से समझा सकते हैं डायरेक्ट कि ON यहां पर कुछ भी नाम दे देते हैं, OX नाम दे देते हैं, OX लंब MN है, तो बार बार हम लिखेंगे तो आपको वीडियो में बहुत ज्यादा लेंदी भी हो जाएगा और इस प्रकार से यहाँ स्पेस भी नहीं रहेगा, तो सिर्फ देखना है कि O से हमने MN पर लंब दिया जिसका नाम OX दिया, और इस प्रकार से O और N को मिला रहे हैं, दैट मींस N को O से या O को N से मिलाएं, तो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है जिसे हम कैपिटल R से लिखें, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या और ये छोटे वृत्त की त्रिज्या, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं बड़ा वृत्त का त्रिज्या इस प्रकार से आपको दिखना चाहिए, तो कैपिटल R लिखा और ये छोटा वृत्त की त्रिज्या है जिसे स्मॉल R से लिखा है। अब देखिए ये लंबाई आपको क्या हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण होती है, तो ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का रूट अंडर, ये हो जाएगा रूट अंडर इस प्रकार से, मतलब कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब क्वेश्चंस में देखिए आपको दिया है इस प्रकार से हमने निकाल लिया है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर का वैल्यू 81, दैट मींस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि एक्स और एन, एक्स एन का मान कितना हो गया रूट 81 करने का मतलब 9, तो एक्स एन आपका 9 हो गया तो एक्स एम भी आपका ना होगा, क्यों ना होगा आप जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करती है, यानी कि ये ना हो तो ये भी ना हो, तो टोटल एम एन की लंबाई कितना हो गई 9 प्लस 9, यानी कि कहने का मतलब 18 सेंटीमीटर, और 18 सेंटीमीटर आपका ऑप्शंस नंबर दिया गया है शायद एक नंबर ऑप्शंस। इसके बाद देखिए क्वेश्चंस नंबर 64, क्वेश्चंस नंबर देखिए 64, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आपको पढ़कर सुना रहे हैं, दी गई आकृति में स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा डायग्राम बना हुआ, चित्र क्वेश्चंस में दे दिया गया है आपका डायग्राम,
कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, कोण एबीसी 90 डिग्री है, कोण एबीसी कोण एसीबी 60 डिग्री है, यदि छोटे वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो बड़े वृत्त की त्रिज्या बताइए। ऑप्शन से 4, 6, 4.5, 7.5। एसएससी सीजीएल टीयर 2 सीबीई परीक्षा 17 फरवरी 2018 को पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर इसके जस्ट पिछला कराए हैं, 63 नंबर भी 17 फरवरी 2018 का पूछा गया था। 63 और 64 दोनों एक ही दिन का क्वेश्चन है सीजीएल मेंस का, तो सीजीएल मेंस का क्वेश्चन होता है तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो आगे के एग्जाम में सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, सभी में पूछा जाता है सीजीएल मेंस वाले क्वेश्चन। तो सीजीएल मेंस का भी एग्जाम होने ही वाला है, तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद बनाने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर अगर जो नहीं बने तो वीडियो को देखिए, या हम कैसे बनाते हैं वो सोल्यूशन जानने के लिए वीडियो को जरूर कंप्लीट देखिए, रिकैप करके भी आप देख सकते हैं। तो देखिए इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन, यहाँ पर छोटी जो वृत्त ये है इसका त्रिज्या 2 सेंटीमीटर ये हमने लिख दिया है, इसे हमने स्मॉल आर लिखा है, ये ओ है आपका छोटा वृत्त का केंद्र और ओ एम हो गया त्रिज्या जिसे स्मॉल आर से डिनोट किए हैं, पी है बड़ा वृत्त का केंद्र और पी एन आपका कैपिटल आर से डिनोट किए हैं, दिख रहा है क्लियरली, यही आपको निकालना है जो हमने यहाँ पर भाग लिखा है। अब देखिए ये कोण आपको कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, ये आपको 60 डिग्री क्वेश्चंस में दिया है कि ए सी बी 60 डिग्री है, तो यहाँ से इस प्रकार से यहाँ सी ओ पी को मिलाएंगे तो ये कोण समद्विभाजक एंगल बाय सेक्टर हो जाएगा, यानी कि ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, अब इस तरह ये भी आपका 30 हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में देखिए ध्यान से, इस ट्रायंगल में आपको देखना चाहिए, सबसे पहले इस ट्रायंगल में आपको देखना है, क्या देखना है इस ट्रायंगल में कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण की आधी होती है, बहुत बार हम बता चुके हैं, तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा 2 है तो कर्ण आपका कितना होगा, 90 डिग्री ये है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण है, ये 2 तो ये कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, दैट मींस कहने का मतलब सी से ओ की लंबाई 4 हो जाएगी। इसके बाद देखिए ये आपका क्या है, ओ एम 2 है, उसी प्रकार से ये भी आपका त्रिज्या है तो ये भी आपका यहां से यहां की लंबाई 2 होगी, और ये आर आपका है तो ये भी यहां से यहां की लंबाई कैपिटल आर होगी, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपको यहां पर से सिमिलरिटी का यूज करेंगे, समरूपता का, क्लियरली दिखना चाहिए कि ये दोनों त्रिभुज, मतलब हम यहां त्रिभुज का नाम भी लिख देते हैं सी एम ओ, त्रिभुज सी एम ओ समरूप है कौन सा त्रिभुज के, ये बड़ा त्रिभुज सी एन पी, त्रिभुज सी एन पी, अब ध्यान से देखिए क्लियरली समरूप दिख रहा है आरएचएस से, दोनों का एक कोण ये एम है यहाँ पर राइट एंगल, जिसमें एन है राइट एंगल, और भी बहुत सारे ये जानते होंगे तो ज्यादा टाइम हम लॉस नहीं करते क्योंकि ऐसे ही वीडियो ज्यादा लेंदी हो रहा है। समरूपता का यूज करेंगे, देखिए आप जानते हैं समरूपता का एक तरह से थ्योरम ही होता है कि जब तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो यहाँ पर हम रेडियस को सबसे पहले ले रहे हैं, ये स्मॉल आर लेंगे तो ये कैपिटल आर लेंगे, दैट मींस कहने का मतलब स्मॉल आर बटा कैपिटल आर बराबर, यहां हम अगर जो ये लंबाई लेते हैं इस छोटा ट्रायंगल के लिए मतलब 4 सेंटीमीटर, या हम लिख भी देते हैं सीओ, यहां से लेते हैं, यहां से क्या ले रहे हैं सीओ, तो यहां पर से क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा आपका, इसके लिए सीपी हो जाएगा बड़ा ट्रायंगल के लिए। अब देखिए आर दिया है आपका 2, तो 2 बटा कैपिटल आर, कैपिटल आर हमें निकालना है, सीओ कितना हो जाएगा, That means CO नहीं होगा, CP लिखना चाहिए हमें, ठीक लिखा हमने CO यहाँ पर ठीक लिखा है, तो CO पहले लिख देते हैं, कितना है CO 4, CO की लंबाई 4 हमने लिख दिया, अब CP का लिखेंगे, तो CP का देखिए 4 यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना हो गई 4, फिर ये आपका यहाँ से यहाँ तक 2 है 4 2 6 और यहाँ से यहाँ तक आपका आर है, यानी कि 4 प्लस 2 प्लस आर, इस प्रकार से अब इसे सोल्व करेंगे, बहुत ही जीबे में बन जाएगा, ये दोनों नीचे कैंसिल कर देते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2r बराबर 4 2 6 प्लस r, तो r का मान कितना हो गया 2r माइनस r, यानी कि r बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कैपिटल वृत्त मतलब जो बड़ा वृत्त है कैपिटल सर्किल इसका 6 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 64 का 6 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर 2 नंबर ऑप्शन दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सभी क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 63 और क्वेश्चन नंबर 64 दोनों ही क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है, और जिसे हम बोलते हैं मेंस, यानी कि सीजीएल मेंस, इसका एग्जाम डेट है 17 फरवरी 2018 को, दोनों ही क्वेश्चन 63-64 जो हम कराए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा वीडियो लेंदी हम नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं इसमें 64 के बाद 65।
इस वीडियो को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस नंबर 65 से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में भी आपका 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। क्वेश्चंस नंबर 60, 61, 62, 63 और 64, 65 नंबर क्वेश्चंस से कराएंगे नेक्स्ट वीडियो। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। और हम बहुत बार बता चुके हैं कि एसएससी किरण 10,500 प्लस के अलावा यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशंस का, यानी कि जिसे 7525 प्लस एसएससी 2021 7525 प्लस के नाम से जानते हैं उस बुक को, जैसे एसएससी किरण 10,500 प्लस तो उस बुक को जानते हैं एसएससी 7525 प्लस बुक, तो उसका भी सोल्यूशन हम दे रहे हैं। उससे अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री और रेशियो प्रोपोर्शन को कंप्लीट, मतलब एक एक क्वेश्चन करके खत्म कर दिए हैं। अब हम उसमें भी ज्योमेट्री स्टार्ट किए हैं तो वो भी आप कंप्लीट देखिए। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए, और बेल नोटिफिकेशंस को ऑल में जरूर सेलेक्ट कर ले ताकि सभी वीडियो का अपलोड करते ही आप पर नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल या लैपटॉप पर आ जाए।